हेलो एवरीवन, मैं कश्मीर सिंह, ड्राइंग टीचर। टुडे टॉपिक ट्री फिंगरप्रिंट्स। तो आपने क्या करना है, ट्री बनाना है, फिंगरप्रिंट करने हैं, जैसे कि आपको पहले भी वीडियो बताई गई थी। और ऐसे ही आपने पहले ट्री ड्रॉ कर लेना है, आउटलाइन होनी चाहिए पेज की, और ऐसे ट्री ड्रॉ करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ये देखिए जो ब्रांचेज दिखाई गई है इसके अंदर, ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए ये ट्री। और जैसे जैसे आप ये स्टेम बनाओगे, तो जैसे यहाँ पर ये ब्रांच होगी, तो इसके बाद जो आगे जो स्टेम बनेगा, ये पार्ट बनेगा, ये इससे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ब्रांच निकल गई, ये निकल गई, फिर आगे फिर ये कम हो गया स्पेस, ठीक है। इसमें से ये ब्रांच निकल गई तो ये स्पेस कम हो गया, तो यहाँ से ये टू पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने ब्रांच को। तो मतलब ऐसे आपने ये ड्रॉ करना है, ध्यान रखना है कि कितना स्पेस कहाँ है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, तो ऊपर तक ये स्पेस कम होता चलेगा, ये ब्रांचेज इधर उधर निकलती दिखाई देंगी। तो आपने अच्छे से ड्रॉ करना है ये, और इसमें ब्लैक कलर करना है। आप स्टिक कलर से आउटलाइन कर सकते हो, और इसके अंदर ब्लैक कलर करना है। तो देखिए, ये देखिए आपने ऐसे आउटलाइन करनी है ब्लैक स्टिक कलर से, और इसके अंदर ब्लैक कलर। आप ऑयल पेस्टल कलर भी कर सकते हो, जो ये ऑयल पेस्टल कलर है, या फिर आप ये ऑयल पेस्टल कलर कर सकते हो, और या फिर आप पोस्टर कलर करना चाहते हो तो ये पोस्टर कलर भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है, ये पोस्टर कलर करना चाहते हो पोस्टर कलर कर सकते हो, आप ब्रश के साथ कलर कर सकते हो इसके अंदर। ये देखिए आप ऐसे फील करोगे पूरे पूरे के अंदर। ठीक है, तो आपने इसके अंदर ये ब्लैक कलर ऐसे फील करना है। ये देखिए, ठीक है, पूरे के अंदर फील कीजिए। ये देखिए पूरे में आपने ब्लैक कलर फील करना है, और अब आपने ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर से प्रिंट करना है। ये देखिए ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, और आपने फिंगर से फिंगर प्रिंट करने हैं ऐसे। देखिए आपने ऐसे पूरे ट्री के अंदर ये फिंगरप्रिंट करने हैं, ठीक है। ये देखिए पूरे में आपने ये फिंगरप्रिंट करनी है ऐसे, पूरे यहाँ पर जहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपने यही फिंगरप्रिंट करनी है। ये देखिए ऐसे करना है, और यहाँ पर स्टिक कलर से ग्रीन से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, और इतने पार्ट के अंदर आपने येलो प्लस लाइट ग्रीन कलर करना है, ठीक है। देखिए आपने ऐसे येलो कलर करना है इसके अंदर,
और ये लाइन डार्क ग्रीन से आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो, स्टिक से भी कर सकते हो, और इसके ऊपर आपने लाइट ग्रीन कलर करना है, ऑयल पेस्टल कलर। ये देखिए आपने ऐसे ये ग्रीन पार्ट दिखाना है, तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर कर सकते हो बैकग्राउंड, ये पेंसिल कलर लाइट होना चाहिए। तो इस प्रकार आप ये ट्री ड्रॉ करोगे, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप ये ड्रॉ करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।